एवरी वन वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ अपने चैनल पेन जो टॉपिक है वो है हमारा आई एल से रिलेटेड जनरली ना मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की दैट मैम टास्क वन को रिफ्रेस करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है दिस इज द पार्ट वन आई विल गिव यू टू टू थ्री मोर पार्ट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिफ्रेजिंग ऑफ टास्क वन एंड इससे आपको जो है वो टास्क वन की रिफ्रेजिंग जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगी सो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से जिसमें हम एक तरीका सीखेंगे हाउ टू डू रिफ्रेजिंग ऑफ एवरी टाइप तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब रिमार्केबल स्टडीज एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं कि पैराफ्रेजिंग या रीफ्रेजिंग होता क्या है पैराफ्रेजिंग इज अ वर्ड जो कि दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है पैरा प्लस फ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग जो है ना वो एक टेक्निक है जिसमें हम ना रीराइट करके लिखते हैं एक फ्रेज को जैसे कि आपके पास कोई लाइन आई है उस लाइन का मतलब नहीं हमने चेंज करना मतलब वही रहेगा जो ओरिजिनल सेंटेंस में है वी जस्ट हैव टू यूज सम डिफरेंट वर्ड्स टू कन्वे द सेम मीनिंग ये है रीफ्रेजिंग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज करके सेम बात को एक बार दोबारा से कहना दैट इज कॉल्ड द रीफ्रेजिंग आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जहां पे मैं आपको पहले समझाऊंगी रीफ्रेजिंग होता क्या है फिर अपने मेन टॉपिक पे हम मूव करेंगे चलिए आगे चलते हैं रीफ्रेजिंग uh, जो है वो टास्क वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो सबसे पहला पैराग्राफ बनता है हमारा टास्क वन का वो होता है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में वी विल रीफ्रेज द स्टेटमेंट हर इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का ना एक तरीका होता है एंड वी विल फॉलो दिस मेथड टू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन जब भी आपने अपना टास्क वन स्टार्ट करना है आपने ये वाली लाइन इंक्लूड करनी है अपने अपने इंट्रोडक्शन में आप कैसे स्टार्ट करोगे सबसे पहले लिखोगे द फिर उसके बाद गिवन गिवन के आई हैव इन चारों में से आप एक वर्ड लिखोगे ठीक है द गिवन उसके बाद नेम ऑफ द ग्राफ आएगा आप अगर आपका टास्क लाइन बार लाइन ग्राफ का है तो लाइन लिखोगे बार है तो बार लिखोगे पाई है तो पाई लिखोगे फिर आप इसमें से एक वर्ड यूज करोगे प्रोवाइड डिपेक्ट इलास्ट्रेट फिर द डिटेल्स अबाउट ये वाला वर्ड यूज करोगे फिर जो आपकी मेन स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे आप क्या कर दोगे रिफ्रेस मतलब ये वाली लाइन हर एक टास्क में यूज होगी जहां पे आप शुरू करोगे द गिवन नेम ऑफ द ग्राफ फिर ये प्रोवाइड करता है आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट जो भी आपका क्वेश्चन का मेन सब्जेक्ट होगा इसके बाद वो चीज रीफ्रेज होगी और ये लाइन हर एक टास्क में यूज की जाएगी चाहे वो लाइन है चाहे वो बार है चाहे वो टेबल है या पाए है आई होप ये चीज क्लियर होगी होगी अब मूव करते हैं हमारे मेन पॉइंट पे वेज टू रीफ्रेजिंग देर आर मल्टीपल वेज टू रीफ्रेजिंग जैसे कि यूसेज ऑफ सिनेम्स यूसेज ऑफ मतलब जैसे चिल्ड्रन वर्ड है मेरे पास ठीक है तो मैंने चिल्ड्रन के लिए सिनेम यूज किया हम अपने टास्क में एडोलसेंस ठीक है तो ये सिनेम मैंने डाल दिया उसका वहां पे मेरे पास वर्ड था स्टूडेंट स्टूडेंट की जगह मैंने वहां पे वर्ड यूज कर लिया लर्नर्स तो दीज आर दिनानम जो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं सो दिस इज वन वे ऑफ रिफ्रेजिंग सेकेंड इज चेंज द वर्ड ऑर्डर जिसमें हम ना वर्ड uh, का ऑर्डर चेंज कर देते हैं उस तरीके से भी रीफ्रेजिंग कर सकते हैं चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब जैसे आपके पास कंज्यूम्ड लिखा हुआ है स्टेटमेंट में हाउ मच बीफ कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर तो कंज्यूम्ड क्या है मेरे पास वर्ब मैंने कंज्यूम्ड का बना दिया कंजम्पशन तो so, मैंने वर्ड की फॉर्मेशन चेंज कर दिया आई हैव कन्वर्टेड अनाउन इन टू सॉरी अ वर्ब इन टू अउन तो इस तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन चेंज करके भी हम रिफ्रेज कर सकते हैं अगला तरीका है चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना दिस इज एन अनदर वे ऑफ रीफ्रेजिंग तो आज हम सारे मेथड तो एक ही वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते सो टूडे वी विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट मैथड जहां पर हम सेंस को यूज करके कैसे रीफ्रेजिंग करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे चलिए फिर जो आज की हमारी वीडियो होगी वो स्पेसिफिकली होगी हाउ टू यूज सेनेम्स फॉर रीफ्रेजिंग लेट्स जस्ट बिगिन विद आर वीडियो अब सेनेम्स होते क्या है डिफरेंट वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड डिफरेंट है दैट इज कॉल्ड सेनेम्स ठीक है अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं देखो मेरी लाइन है सम पीपल लाइक टू रीड बुक्स सम मीन्स कुछ पीपल मीन्स लोग लाइक मीन्स पसंद करते हैं रीड मीन्स पढ़ना पढ़ना किसको बुक्स को अब सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है इसमें से किन वर्ड्स के सिरेनम्स हम दे सकते हैं एक चीज अपने माइंड में फिट कर लीजिए हर वर्ड का सिनेम अवेलेबल नहीं होगा सो डोंट रश बिहाइंड दोज वर्ड्स जिनके सिनेम्स आप नहीं दे सकते एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते गलत सिनेम विल लीड टू डिडक्शन ऑफ योर स्कोर सो यू हैव टू द टास्क जैसे अगर आप यहाँ पे लाइन पढ़ो मैंने सारे वर्ड्स चेंज नहीं किए मैंने सिर्फ पहले दो वर्ड्स चेंज किए हैं और आखिरी वर्ड चेंज किया है बाकी ये जो वर्ड uh, है हमारा लाइक टू रीड ये एज इट इज मैनिफिट किया क्योंकि आई वॉज नॉट हैम रिलेटेड टू लाइक टू रीड तो मैंने इसको एज इट इज फिट कर दिया बट बाकी वर्ड्स के मेरे पास सिनेम्स थे तो मैंने बाकी वर्ड्स के सिनेम्स यहाँ पे इनकारपोरेट कर दिए जैसे कि सम का सिनेम मैंने क्या यूज किया सर्टेन कुछ पीपल का सनेनम इंडिविजुअल लाइक टू रीड का मेरे माइंड में कोई सिनेम नहीं आया मैंने नहीं डाला बुक्स बुक्स के लिए मैंने कौन सा सिननम यूज किया प्रिंटेड मटीरियल या प्रिंटेड रिसोर्सेस सो दिस इज कॉल्ड द यूसेज ऑफ सिनेम्स फॉर रिफ्रेजिंग आप सेंटेंस में मेनली टेंस नहीं चेंज कर रहे हो कोई वर्ड ऑर्डर नहीं चेंज कर रहे हो कोई नया वर्ड नहीं दे रहे हो बस जितने वर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं आपको आपके पास जितने सिनेम्स हैं उन सिनेम्स को यूज करके आप जस्ट क्या कर रहे हो रीफ्रेजिंग ठीक है जी एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ द परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स इज राइजिंग ये मेरा लाइन था अब मैंने सिनेम्स दिए द का सिनेम तो नहीं होगा आर्टिकल है वो तो एज इट इज आएगा परसेंटेज का सिनेम मैंने क्या दिया प्रोपोर्शन ऑफ मेरी है एज इट इज लिख दी मैंने क्रिमिनल्स की जगह आई हैव वर्ड लॉ ब्रेकर राइजिंग का सिनेम मैंने क्या दिया इनक सो दिस इज द यूसेज ऑफ सिनेम्स फॉर रीफ्रेजिंग आई होप अंडरस्टैंड हो गया आपको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ सम वर्ड्स मीनिंग सेम है और इनको यूज करके हम एक अच्छी रिफ्रेजिंग करते हैं ठीक है जी आई होप ये यहां तक आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी होगी अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं यहां पे भी मैंने एक रिफ्रेजिंग की है लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि गलत वर्ड आप कैसे यूज कर लेते हो रीफ्रेजिंग में जैसे कि देखो मैंने क्या लिखा है वायलेंट क्राइम इज ऑन द राइज अमंग द टीन आई हैव कवर्ड विच ग्रुप ऑफ पीपल हेयर टीजर्स अब टीनेजर्स कौन से बच्चे होते हैं जनरली थर्टीन से लेके एटीन ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं टीनेजर्स ओके okay. अब यहाँ पेनेम चेक करते हैं वायलेंट को मैंने वायलेंट ही रहने दिया आई वॉज नॉट हैम क्राइम की जगह मैंने क्या लिख दिया ओफेंसेज मतलब मेरा सेंटेंस सिंगुलर में था आई हैव चेंज माई सेंटेंस इन प्लूरल इतना आप कर सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आर राइजिंग राइज जो मेरी यहाँ पे वर्ब थी मैंने उसको किसमें चेंज कर दिया आई एनजी में कंटिन्यूसेंस में ध्यान से पढ़ना सुनना मेरी बात अभी मैंने बोला तेरह से लेके अठारह साल के बच्चे के लिए हम टीनेजर वर्ड यूज करते हैं अब यंग पीपल हम और किसको कह सकते हैं एक एक बाईस साल का बच्चा है उसके लिए भी हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे डेफिनेटली यंग पीपल एक पचीस साल का बच्चा है उसके लिए भी लड़का है लड़की है कोई भी है उसके लिए हम कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं दैट दे दे आर यंग बिलोंग टू द यंग एज ग्रुप ऑफ द कंट्री सो दे आर यंग पीपल सो यहाँ पे यंग पीपल वर्ड टीनेजर के लिए सही रिफ्रेजिंग नहीं है सही सिनेम नहीं है यहाँ पे जो सही सिनेम टीनेजर्स के लिए है वो क्या है एडोलेंस डॉलोसेंट वर्ड भी उन लोगों के लिए यूज किया जाता है दोन देयर टीन एज सो दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर ओवर हेयर इज दैट यूज वेरी मच केयरफुल इन द प्रि एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड सर्टेन एग्जाम्पल दैट आर गिविंग द करेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड बट दिस इज द एग्जाम्पल वियर रिप्लेसमेंट इज नॉट करेक्ट सो यंग पीपल वर्ड यहाँ पे एज अ सिनम नहीं यूज किया जाएगा वर्ड कौन सा ज्यादा बेटर है टीनेजर के लिए एडोलसेंस आई होप आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस क्लियर हो गया अब हम मेन स्टेटमेंट पे मूव करते हैं जहां पर हम स्टडी करेंगे हाउ टू रिफ्रेस द स्टेटमेंट स्टेटमेंट आपके सामने है स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या है द टेबल शोज द प्रपोर्शन ऑफ प्यपल्स अटेंडिंग फोर सेकेंडरी स्कूल टाइप्स बिटवीन देश एंड डैश आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर प्रोपोर्शन बताया है किसका प्यूपल्स का पीपल्स मतलब लर्नर्स जो अटेंड कर रहे हैं कितने स्कूल्स को फोर सेकेंडरी स्कूल्स को ठीक है जी अब यहाँ पे देखो फोर सेकेंडरी स्कूल्स का आपको नाम ना स्टेटमेंट में गिवन नहीं है बट इन द टेबल द नेम ऑफ द स्कूल्स हैज बीन गिवन ओके द नेम ऑफ द स्कूल्स इज गिव आर गिवन टू यू इन क्वेश्चन सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ वेन समथिंग एक्स्ट्रा कुछ हेडिंग कोई कंट्री का नेम ऐसी सब चीज़ें जब आपको गिवन होती है ना टेबल में स्टेटमेंट में गिवन नहीं है एंड व्हेन यू जस्ट एड्स दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन इन योर रीफ्रेजिंग एट दैट टाइम यू विल डेफिनेटली गेट एन एडिशनल स्कोर सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड एनालाइज द ग्राफ इन अ केयरफुल वे कहीं आपको कोई यूनिट तो नहीं गिवन कहीं पे आपको कैटेगरीज का नाम तो नहीं गिवन कहीं पे आपको कंट्री का नाम तो नहीं गिवन तो इस केस में आप क्या करोगे ये सारी इंफॉर्मेशन पिक करके यू विल एड इन द रीफ्रेजिंग एंड वहां पे क्या होगा आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा समझ में आ गई बात अब आगे हम इसको चेक करते हैं उसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने कैसे एड ऑन करना है अब पहले सिनेम्स चेक करते हैं पहले वर्ड्स उठाते हैं जिनके सिनेम्स हमारे पास हो सकते हैं प्रपोर्शन अभी मैंने आपको पीछे बताया इस वीडियो को भी पॉज करो और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्रोपोर्शन का सिनेम हमने अभी क्या डिस्कस किया है उसके बाद प्यूपल्स इसका सनेनम भी हमारे पास होगा अटेंडिंग वर्ब है इसको नहीं हम छेड़ते अटेंडिंग को अटेंडिंग ही कह देते हैं ठीक है सिर्फ हम मैंने कोई वर्ड फॉर्मेशन चेंज नहीं की आई हैव यू सर्टन ओनली सिनेम्स फॉर रिफ्रेसिंग तो वर्ड का फॉर्मेशन कैसे चेंज करना है वर्ब को नाउन में नाउन को वर्ब में वर्ब को वर्ब में, वर्ब को में कैसे कन्वर्ट करना है ऑल दोनियोज ओके सो अटेंडिंग अटेंडिंग रहने दो फोर वन टू थ्री फोर इसका तो कोई सिर नहीं होगा हाँ, सेकेंडरी स्कूल का सरनम हो सकता है इसको भी टिक कर लेते हैं नेम ऑफ द स्कूल हम अपनी इंट्रोडक्शन में एड करेंगे टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है टाइम पीरियड को लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं वो हम आगे जाके चेक करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं so so चलिए सबसे पहला वर्ड है प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का सिननम परसेंटेज देन नेक्स्ट वर्ड इज प्यूपल्स सिनेम स्टूडेंट्स या लर्नर्स सेकेंडरी स्कूल के लिए आप कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो हाई स्कूल Synonyms मिल गए हम सबको आ, वीडियो को पॉज करके यू कैन नोट डाउन द दिन अब हम रीफ्रेज करते हैं रिफ्रेजिंग के लिए जो मैंने लाइन आपको पिछली स्लाइड्स में शो की थी द गिवन वाली वो वाली लाइन हमने पहले लिखनी है वीडियो को पॉज करो जल्दी से कमेंट डाउन करो कि वो वाली लाइन क्या थी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं वो लाइन क्या थी द गिवन टेबुलर चार्ट मैंने बोला था सबसे पहले गिवन लिख देना फिर उसके बाद नेम ऑफ द चार्ट लिख देना हमारा चार्ट कौन सा है टेबल है टेबल लिख दो या आप टेबुलर चार्ट लिख सकते हो फिर डिपेक्ट फिर द इंफॉर्मेशन वर्ड यूज करोगे फिर अबाउट आ जाएगा अब सेंटम्स दे दो क्वेश्चन में कौन सा वर्ड यूज है प्रपोर्शन यू कैन सी ओवर हेयर विच वर्ड यू आर सींगेयर प्रपोर्शन और मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है प्रपोर्शन की जगह परसेंटेज ओके यहाँ पे कौन सा वर्ड है मेरे पास प्यपल्स ओके okay, तो यहाँ पे मैंने पीपल्स का सिनेम नहीं दिया इसको कट करके सिनेम्स बताओ क्या होंगे यस लर्नर्स लर्नर्स वेरी गुड अटेंडिंग मैंने ऐसे रहने दिया फिर मैंने क्या चीज ऐड की फोर सेकेंडरी स्कूल्स अब फोर सेकेंडरी स्कूल्स को भी मैं यहाँ से कट कर रही हूँ सेकेंडरी स्कूल्स का सिनेम क्या है मेरे पास हाई स्कूल ठीक है जी समझ में आ गए सिनेम्स अब टाइम पीरियड मेंशन करना है क्वेश्चन में टाइम पीरियड है हमारा बिटवीन के साथ बिटवीन डैश एंड डैश आई कैन कन्वर्ट बिटवीन एंड टू फ्रॉम टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड नाइन अगर आपको क्वेश्चन में फ्रॉम टू गिवन होगा तो आप फ्रॉम टू को किस में चेंज कर दोगे बिटवीन डैश एंड डैश आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यही वाली रिफ्रेजिंग मैंने आगे भी की है जहां पे मैंने सेकेंडरी स्कूल्स के नाम ऐड किए हैं यहाँ पे देखो फोर सेकेंडरी स्कूल्स

कई बारी पता है क्या होता है? देखो बच्चों टाइम पीरियड नाइनटीन नाइनटी से लेकर टू थाउजेंड 2008 तक का है सो so ये मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू गेट द एडिशनल स्कोर्स प्लस क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स का प्रपोर्शन डिफरेंट कोर्सेज में बताया है नेम ऑफ द कोर्सेज आर नॉट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन सो यू कैन एड ऑन दीज ने रीफ्रेजिंग सिनेम्स चेक करते हैं पाए का सिनेम पाई चार्ट का सिनेम हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है परसेंटेज का सिनेम हो सकता है क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स को हम नहीं छेड़ेंगे इसको ऐसे रहने दो पर्टिकुलर का सिनेम दे देंगे और किसका सिनेनम दे देंगे कंट्री का आइए चेक करते हैं इन वर्ड्स के सिनेम्स परसेंटेज, प्रोपोर्शन, पर्टिकुलर का स्पेसिफिक कंट्री का नेशन पाई चार्ट का सिनेम आप यहाँ पे नोट कर लो पाई चार्ट का सिनेम क्या होगा सर्कुलर चार्ट्स। सो सर्कुलर चार्ट दो चार्ट्स हैं तो ऐसा आना जरूरी है तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे सर्कुलर चार्ट्स। चलिए सी करते हैं द गिवन पाई चार्ट डिपेक्ट अब यहाँ पे अगर आप देखो पिछला जो टास्क था वहां पे मैंने डिपेक्ट वर्ड लिखा था यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है ऐसा क्यों? बिगेस्ट ब्लैंडर जो बच्चे कर, करते हैं पेपर भी दे जाते हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि इसमें गलती क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है प्लूरल तो डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं आएगा दिस इज द रूल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन टेंसेज That, जब हमारा subject singular होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हम एस और ई एस यूज नहीं करते सेम चीज पाई चार्ट दो है तो वर्ब के साथ एस और ई एस यूज नहीं होगा क्लियर हो गया अब देखो द गिवन पाई चार्ट डिपेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यहां तक लाइन सेम है आगे सिनोनिम्स दे दिए मैंने क्वालिफा प्रपोर्शन किसका क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स का कहाँ पे इन अ स्पेसिफिक नेशन टाइम पीरियड मेरे को गिवन नहीं था सो आई है टाइम पीरियड हेयर फ्रॉम नाइनटीन एटी टू टू थाउजेंड एटी अब अगर आप यहाँ पे कोर्सेज के नाम एड करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो प्रपोर्शन ऑफ क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स इसके बाद कर देना इन सर्टन कोर्सेज ये वाला वर्ड लिखना है यहाँ पे सर्टन कोर्सेस फिर आप क्या लगाओगे तीन ऑप्शन कौन सी हैं वीडियो को पॉज करिए और कॉमेंट में बताइए ये यू आर करेक्ट सेमिकॉलन सच एज नेमली इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन यूज करके यू कैन एड ऑन दी ऑप्शन हेयर आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा नाउ दिस इज योर होमवर्क

और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए और वीडियोस आपके लिए आयल्स की आने वाली हैं इफ़ स्पेसिफिक थिंग यू वांट टू स्टडी यू वांट एनी पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग डेफिनेटली यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो वी विल ट्राई टू ब्रिंग द कंटेंट फॉर यू एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू एवरी